ओम शांति, आपसे स्वागत है आपके YouTube चैनल और WhatsApp पर। आज हम बात करेंगे 1 जून के ईश्वरी वरदान की, जहां परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि जहां पर मैं का शब्द जहां यूज़ होता है, वहां पर हम परमात्मा के दिए हुए गुण को खो देते हैं, परमात्मा की दी हुई शक्ति को खो देते हैं और हम इसमें मिलावट ले आते हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि हम ये सारी चीज़ों को ख़त्म करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। देखें परमात्मा कहते क्या है इस वरदान में। बाबा कहते हैं, बाबा शब्द की स्मृति से, बाबा मतलब क्रिएटर, पिता परमात्मा, इनकी शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले। हद का मेरेपन मतलब क्या? मेरा आइडिया, मेरी सोच, मेरा मेथड, मेरा गुण, मेरी शक्ति, ये हो गया मेरा मेरा मेरा। परमात्मा कहते हैं इससे तुम फंस जाओगे, तुम इतने से सीमित रह जाओगे, इसको भी छोड़ो, तुम बेहद में आ जाओ, अनलिमिटेड बन जाओ। तो उसको छोड़े कैसे हम सीखेंगे आज। वाले बेहद के वैरागी भवा। कई बच्चे कहते हैं मेरा ये गुण है, मेरे अंदर ये गुण है, मैंने अच्छे से बोला, मैंने उसको काइंडनेस दिखाई, मैंने उसको सिंपैथी दिखाई, मेरे अंदर, मैं सबके अंदर अच्छा देखता हूँ, अच्छा देखती हूँ, मैं ना होता, मैं नहीं होती तो ये कहाँ होता इंसान आज। ये मेरा मेरापन बहुत ही बड़ा अहंकार, बहुत ही हमें लिमिटेड बना देता है, हमें छोटी चीज़ों में ही हमें क्या कर देता है, फंसा देता है। परमात्मा कहते हैं तुम्हारे अंदर तो बहुत शक्ति है, तुम्हारे अंदर बहुत गुण हैं, लेकिन तुम ये मेरा मेरा जब करते हो तो तुम सीमित रह जाते हो। तो परमात्मा कहते हैं मेरी शक्ति है, यह भी गलती है। मेरी शक्ति कहना, मेरा गुण कहना, मेरे वजह से हुआ ये सब कुछ, ये कहना बहुत बड़ी गलती है। परमात्मा देन को मेरा मानना यह महापाप है। हम तो सोच सकते हैं धन संपत्ति से कुछ करा, किसी को कुछ गलत बोल दिया, वो महापाप है, लेकिन मेरा गुण समझ लेना, मेरी शक्ति समझ लेना, मेरे में ये, अगर मैंने ये आइडिया नहीं लिया होता ना तो आज ये घर ऐसा होता, अगर मैंने मेरा आइडिया नहीं सुना था ना तो आज तुम ऐसे होते। मेरा आइडिया, मेरी सोच, मेरी सुननी चाहिए, मेरा ही करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं नहीं, ये दिया किसने? देने वाले को भूल गए, तो मेरा मेरा करा तो बस वहाँ पे वो तुम्हारा ही रहेगा, उतना ही रहेगा बस। लेकिन अगर परमात्मा का सोचा, परमात्मा ने ये गुण दिया, परमात्मा ने करवाया मेरे द्वारा, परमात्मा के दिए गुण मैंने इस्तेमाल करे, बस फिर वहाँ पर आप बेहद हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। लेकिन जहाँ मेरापन है वहाँ पर आपको भारीपन महसूस होगा, इसलिए हल्के बनने का ये और एक तरीका है, शांत होने का ये और एक तरीका है। फिर परमात्मा कहते हैं कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं मेरे ये गुण हो, मेरे इस गुण को, मेरी बुद्धि को यूज़ नहीं किया जाता। हम क्या कहते हैं? मेरी बुद्धि को नहीं यूज़ किया जाता, मेरे गुणों को यूज़ नहीं किया जाता, मेरे को चांस नहीं दिया जाता। मेरी बुद्धि, मेरे गुण, मेरे को चांस, मैं अच्छा बोलता हूँ, मैं अच्छा करता हूँ। परमात्मा कहते हैं ये भूले का है, ये भूल भुलैया है, इसमें मत फंस जाना, ये महापाप है। महापाप कैसे हुआ? क्योंकि हम उस सीमित चीज़ में ही फंस जाएंगे, हम आगे ग्रो नहीं करेंगे, हमारे गुण और निखर के नहीं आएंगे। मतलब कि हीरा थोड़ा सा साफ के, थोड़ी सी चमक है, उसमें संतुष्ट हो गए, नहीं, हीरे को पूरा साफ करना है, आत्मा को पूरा साफ करना है, इसलिए मेरा मेरा छोड़ना है। लेकिन मेरी मेरी कहना माना मैला होना, ये भी ठगी है। इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा कि हमने सब कुछ तो छोड़ दिया, लेकिन मेरापन अगर नहीं छोड़ा तो हमने कुछ नहीं छोड़ा, महापापी बन गए हम उसमें भी। तो ये मेरा आइडिया, मेरी सोच, मैंने बताया ना, मेरा आइडिया देना, देखा मैंने नहीं बताया था तो मैं कैसे करते, तुम आगे नहीं बढ़ते तुम जीवन में, मैंने तुम्हें करा इसलिए तुम आगे बढ़े, ये मेरा मेरा नहीं करना है। करवाने वाला कौन है? परमात्मा। गुण किसके हैं? परमात्मा की दी हुई शक्ति किसकी है? परमात्मा की। बुद्धि किसकी है? परमात्मा की। तो मेरा मेरा करना आज से छोड़ देना ज़रूरी है, नहीं तो हम आगे जीवन में बढ़ नहीं पाएंगे। इसको करें कैसे प्रैक्टिस, इसके लिए और गहराई में समझने के लिए आप ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आ सकते हैं। इसी के साथ ओम शांति।